नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार और मैं हूं रजनीश। झारखंड में कल्चरल एक्सचेंज कार्यक्रम को लेकर के कश्मीर से 122 युवा आए हैं झारखंड की संस्कृति को जानने के लिए और कश्मीरी संस्कृति को बताने के लिए। इनमें से हमारे साथ एक युवा है इरफान, इनसे हम बात करते हैं कैसा इनको झारखंड आके अनुभव हुआ। सबसे पहले आपको जोहार। बिल्कुल, कैसा अनुभव हुआ आपको झारखंड आके? मुझे बहुत ही अच्छा लगा। झारखंड यहाँ के लोग बड़े प्यारे हैं, बहुत कोऑपरेटिव है। मुझे बहुत अच्छा लगा जिस तरीके से हम परसों यहाँ आए, कल सुबह यहाँ आए, हमें यहाँ रेलवे स्टेशन पे यहाँ की जो NMY के की टीम है वो लेने आई। उसके बाद हमें अच्छे से बसों में बिठा के हमें कमरे वमरे अलॉट किए इन्होंने। बहुत यहाँ इन्होंने हमारे लिए बहुत अच्छी सुविधा रखी है, हमारे आउटिंग के लिए इन्होंने बहुत सारी। झारखंड की संस्कृति को आपने देखा, सुबह जो कार्यक्रम चला उसमें झारखंड की संस्कृति के बारे में दिखाया गया, कुछ गाने प्रस्तुत किए गए, कुछ डांस दिखाए गए, तो आपको उससे क्या अनुभव हुआ और कैसा लगा उन सब चीज़ों से? मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि ये लोग अपनी संस्कृति के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे कि अभी दुनिया बदल रही है, लेकिन अभी भी ये अपनी संस्कृति को, अपने कल्चर को लेके चल रहे हैं। जो जिस जैसे कि आज इनॉग्रल हुआ, इन्होंने अपनी परंपरा के मुताबिक वो लाइटिंग लैंप का आयोजन किया। उसके पास इन्होंने वो डांस, वो जो इनका कल्चरल इवेंट होता है, जिससे इन्होंने झारखंड का एक हमें अपने कल्चर उन सॉन्गों से हमें झारखंड का ये हमें झारखंड का थोड़ा नक्शा हमें बताया कि कैसे झारखंड में हम सेलिब्रेट करते हैं, त्योहारों को कैसे मनाते हैं, इनका ड्रेस कोड, इनके जो ड्रेस वेसेस लगा के आए थे। हमें बहुत ही अच्छा लगा, ये लोग अपनी संस्कृति के साथ अपने कल्चर से जुड़े हुए हैं। हालांकि आजकल ऐसा नहीं होता है, लोग अपनी संस्कृति अपने कल्चर को भूल के पैसों के पीछे चले जाते हैं। ये बहुत ही नया एक्सपीरियंस हमारे लिए रहा। और यहाँ की खान पान के बारे में कैसा लगा? आप लोगों की जो डिश यहाँ पे दी गई आप लोगों को खाने के लिए, आपने खाया तो क्या अनुभव रहा, कैसा लगा? जैसे कि कश्मीर में हम तड़का वाला खाना खाते हैं, उसमें मिर्च बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ मिर्च, लाल मिर्च का इस्तेमाल बहुत कम होता है। खान पान यहाँ बहुत ही स्वादिष्ट है। यहाँ हमने पोहा खाया, हमने यहाँ ये मटर खाए, यहाँ हमने ये भिंडी की सब्ज़ी खाई। ये बहुत ही डिफरेंट चीज़ें हैं जो वहाँ हम खाते हैं, यहाँ बहुत ही डिफरेंट है, मगर स्वादिष्ट बहुत अच्छा है। स्वाद हमें बहुत अच्छा मिला, हाइजीनिक है। जैसे कि सुबह हमें फूड पार्सल मिली थी, हाइजीनिक फूड थी, वो साफ़ सुथरा था। लेकिन पानी यहाँ बिस्लरी पानी पीते हैं हम लोग, वहाँ नदी नालों से या फिल्ट्रेशन प्लांट से हमें बहुत वहाँ पानी मिलता है, या फिल्ट्रेट या जल मिलता है हमें। ये थोड़ा डिफरेंस है। जैसे हम आपका अभिवादन करते हैं जोहार, हम झारखंडियों का ये कल्चर है कि जोहार करके अभिवादन करते हैं, आप क्या कह के कहते हैं एक बार हमारे दर्शकों को अपने तरफ से कर दीजिए। जैसे कि हम लोग करते हैं चोन स्वागत, यू आर वेलकम, चोन स्वागत। तो आपने कश्मीरी युवक को सुना किस प्रकार से झारखंड इन्हें लुभा रही है, और इस कार्यक्रम के तहत झारखंड की कल्चर को कश्मीर के युवा सीखेंगे और अपने यहाँ सिखाएंगे। वहीं ये लोग आए झारखंड में, झारखंडियों को कश्मीरी कल्चर के बारे में बताएंगे। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।